कहा कि भारत के संविधान और आईन के दायरे में रहकर मजलूमों की आवाज को बुलंद किया जाए, उनका जायज मुकाम उनको दिलाया जाए और उनको हिस्सेदारी की लड़ाई में उनको उनका हिस्सा मिले। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, असदुद्दीन ओवैसी कोई आला जात के या कोई नवाब खानदान से निकलकर नहीं आया आपके दरमियान में। मेरे बुजुर्ग मेरे आबाजदाद ने मेहनत की, जुस्तजू की, आम आदमियों की तरह अपनी जिंदगी गुजारी और अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों का तकवा और उनकी परहेजगारी हमारे बुजुर्गों की थी। याद अल्लाह सुभाना व तआला ने आप तमाम की दुआओं और आशीर्वाद की वजह से असदुद्दीन ओवैसी को यहां तक लाकर खड़ा किया। मेरे भी दोस्तों और बुजुर्गों, को एक बात मैं आपको बताना जरूरी समझता हूं कि मैं हैदराबाद पार्लियामेंट का सांसद हूं। हमारे साथ अराकीन असेंबली तेलंगाना प्रदेश हैदराबाद में है। हमने अपने 65 साल की सियासी सफर में अब तक सत्ता में हमारा कोई मंत्री नहीं बना, हमारा कोई मंत्री नहीं बना, क्योंकि हर कोई आपसे आकर कहता है कि जब इलेक्शन जीतोगे तो मंत्री बनोगे या सत्ता में आओगे। मगर हम आपको बता रहे हैं कि सियासी ताकत क्या होती है। हमारे साथ विधायक है, एक एमपी है, हैदराबाद में 44 हमारे कॉरपोरेटर है। हमने अपने क्षेत्र में एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में, विधानसभा में सिर्फ एक विधानसभा में हमने अपने एमपी लैंड फंड से 10 करोड़ की लागत से बच्चियों के लिए जूनियर डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग बनाई। उसमें लड़कियां हिजाब भी पहनती हैं, नहीं भी पहनती हैं, वहां पर काम हो रहा है। डेढ़ दो महीना पहले हमने वहां के कॉरपोरेटर नसीब साहब यहां पर उतुल्ला में आपके दरमियान में उनसे पूछ लीजिए, हल्के असेंबली कारमान में हमने सरकार के पास बैठकर सिर्फ एक विधानसभा में हमने 290 करोड़ की ड्रेनेज लाइन मंजूर करवाई। सिर्फ एक विधानसभा की मिसाल दे रहा हूं, 290 करोड़ की ड्रेनेज लाइन मंजूर करवाई। हमारे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी की विधानसभा इंतजार टूटे में वहां पर उन्होंने कहा कि मेरे पास भी 300 करोड़ की सुरेश लाइन मंजूर करवाइए। हम मिनिस्टर से जाकर बात किए, उन्होंने हमसे कहा कि सर भाई, जो हमारे मिनिस्टर का नाम केटी रामाराव है, केटी आर ने कहा कि सर भाई एक महीने का टाइम दो, मैं चल रहा घुटे में भी 300 करोड़ की सुरेश लाइन मंजूर करवाऊंगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ना सिर्फ किए बल्कि मजलिस ने हैदराबाद में हमारे बुजुर्गों ने हमने कुछ नहीं किया। हमारे बुजुर्गों ने मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, एमबीए, एमसीए कॉलेज, स्कूल ऑफ नर्सिंग और दो दो दवाखाने हम लोग चलाते, कम से कम पैसों में वहां पर गरीबों का इलाज होता है। मेरे भाई, ये कोई हम किसी से पैसा नहीं लिए बल्कि आपने जो हमको वोट डालकर ताकतवर बनाया तो हम उस ताकत का इस्तेमाल आपके लिए किए और ये तमाम इदारों को कायम किया। ये हमारे इदारे नहीं है, हमारे साथी नहीं है और अल्लाह बेहतर जानता है कि इसमें से एक पैसा भी हम नहीं लेंगे। एक ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट चलाता है। हम मर जाएंगे, हम जमीन की रिजा बन जाएंगे, मगर इंशाल्लाह इदारे सूरह कयामत तक आबाद और शादाब रहेंगे। ये मजलिस ने काम किया। और फिर आपको एक और मिसाल देते हैं, कोविड की दूसरी वेव में पिछले साल जून जुलाई अगस्त में आप अंदाजा नहीं कर सकते कि हमको दिन में कई फोन आते थे बच्चों के। वो जो बच्चे जोमैटो में काम करते, खाना कोई फोन पर ऑर्डर किया तो एक लड़के ने उनको फोन किया कि सर साहब, हमारी मोटरसाइकिल के ऊपर 10,000 का पुलिस का ट्रैफिक का चालान है और हम जोमैटो में काम करते हैं, मैं दिन में 100 रुपये नहीं कमाता हूँ, 10,000 कहां से दूंगा। मैं कोई ऐसा इंसान दिखलाने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैंने फौरन मजलिस की तरफ जिम्मेदारों को फोन किया और उस मुतालिका वहां के कॉरपोरेटर को मजलिस के सदर कहा कि भाई, ये गरीब बच्चा है, इसका इंतजाम करो। 1.5 घंटे के अंदर उसका जो ट्रैफिक का चालान था 10,000 रुपए दिए, वो बच्चा खुशी से पूरा कोविड में काम करता रहा, कुछ कमा लिया।
फिर कोविड में सुनिए सुनिए अभी अभी अरे इनको जिंदा और जिंदाबाद हम भी बोलेंगे फरीदाबाद से डॉक्टर अयूब को। दूसरी बात ये कि कोविड की महामारी में आपको मिसाल दे रहे उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा है कि पानी के ऊपर लाशें गिर रही थी, नदी के किनारे कुत्ते किसी के बाप और मां की लाश को कुत्ते लोच कर खा रहे थे। उत्तर प्रदेश में गरीब को ऑक्सीजन नहीं मिला, अस्पताल मिला तो बेड नहीं मिला, बेड मिला तो दवाई नहीं मिली। पैसे के एमपी हमने क्या किया, हमने हमारे क्षेत्र में 800 ऑक्सीजन सिलेंडर हमने फ्री में जनता में दिए, 800 ऑक्सीजन सिलेंडर। और एक कोविड पेशेंट को एक सिलेंडर काफी नहीं होता, कम से कम उसको सेहत होने तक 7 या 8 सिलेंडर उसको हम लोग फ्री में रिफिल करा के दिए। मैंने बाहर से बर्तानिया से 80 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मंगवाया और ना सिर्फ हैदराबाद बल्कि अख्तर उलीमान साहब हमारे बिहार प्रदेश के सदर बैठे, आप पूछ लीजिए हमने अख्तर भाई के पास जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दिया है, अख्तर भाई जो बिहार का भारत का जिसका पसमानदा इलाका सीमांचल है, सीमांचल की जनता को हम सलाम करते हैं, उन्होंने हमारे 5 विधायक को कामयाब किया। हमने कहा अख्तर भाई आज वहां की जनता परेशान है, बिहार की सरकार दरमियान ने तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बिहार को भी दिया है, बिहार को भी दिया, हमारे हर एमएलए को 2-2 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दिए के रखिए, अस्पताल में दीजिए। बड़ा काम नहीं किया, मगर हमारी लगता की जिम्मेदारी थी कि हमारा विधायक जीता, बिहार से 5 विधायक जीते, औरंगाबाद से हमारे एमपी जीता, धूलिया महाराष्ट्र में और मालेगांव में मुफ्ती साहब हमारे एमएलए, हमने औरंगाबाद और मालेगांव धूलिया को भी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दिया। बताओ कोई सियासी राजनेता कोई पार्टी इस तरह का काम किया कोविड के सेकेंड वेव में। हमारे मजलिस के हैदराबाद के जिम्मेदार अपनी जान को जोखिम में डालकर कोविड के मरीजों के पास ऑक्सीजन सिलेंडर ला कर देते थे, घर पर ला कर देते थे, सिर्फ फोन करते थे उनको हमारे को सिलेंडर की जरूरत, रात के 2-2 बजे सुबह 3 बजे फोन आता है बेड नहीं मिल रहा, हमारे लोग दौड़ते थे मजलिस के जिम्मेदार अपनी जान की परवाह के बगैर। ये मजलिस का तरीका है काम करने का। आप अगर यहाँ पर डॉक्टर मन्नान को अपना विधायक बनाएंगे, हम आपसे वादा कर रहे थे ना सिर्फ डॉक्टर मन्नान बल्कि ओवैसी भी सुकोला विधानसभा में आपके दरमियान रहकर आपकी तकलीफ को दूर करने का काम करेगा। मैं कोई आसमान से तारे तोड़कर लाने का वादा नहीं कर रहा हूँ, जो तो अल्लाह ने मुझे इज्जत दी मुकाम दिया इसीलिए दिया कि मैं गरीब और मजलूमों का साथ दूं, और हम वो काम करते रहेंगे। आपको एक और सियासी ताकत का बताता हूं, अख्तर भाई बैठे हुए हमारे प्रदेश बिहार के सदर, जनता दल का नीतीश कुमार की पार्टी का एक मेंबर, उसको लोग गुंडाई लोग पकड़कर उसकी जान ले लिए, पूरी ऐवान असेंबली को अख्तर उलीमान हिलाकर रख दिया, उसके घर को गए, उस पीड़ित परिवार के घर को गए, उसके घर वालों से मिला, उसकी बेवा को अख्तर उलीमान ने बाजू दिलाकर सरकार से ये मुतालबा किया कि मरने वाले को 1 करोड़ रुपया मिलना चाहिए। मरने वाला तो नीतीश कुमार की मिनिस्टर की पार्टी करता, नीतीश कुमार की सरकार बिहार में एनपीआर एनआरसी को पिछले दरवाजे से लाना चाहती थी, तो मंदिर से इत्तेहाद मुस्लिमीन का विधायक बिहार की विधानसभा में खड़े होकर वहां की सरकार को कह दिया अगर एनपीआर एनआरसी बिहार में शुरू होगा तो अख्तर उलीमान पूरे पटना को जनता से भर देगा, ये काम हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर लोग बोलते कि तुम्हारे समय विधायक जीते बिहार से, तुम सत्ता में नहीं हो। मैं आज चैलेंज के साथ कहता हूं कि जिन विधानसभा से मजलिस के 5 विधायक जीते, जहां बरसों से गांव में काम नहीं हो रहा था, वहां पर विकास का काम हो रहा है, जनता खुश है वहां पर। तो ये हमेशा बोलना कि सत्ता मिलेगी, सत्ता जब मिलती है ना किसी को तो उसकी जेब होती है, उनके गरीब का फायदा नहीं होता। सत्ता जब आप देते हैं तो उसमें काबिलियत होनी चाहिए कि लड़ कर काम कराया जाए, बैठा जाकर एसडीएम के पास, डीएम के पास, एसपी के पास, या तो मुझे तुम जेल में डालो या हरीफ से इंसाफ करो,
ये काम मजलिस करके आई और करेगी तो में भी इंशाल्लाह होता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गो, अब फिर हमारे ये जो समाजवादी के लोग, बसपा के, कांग्रेस के लोग बोलते ये बताओ डॉक्टर मन्नान और ओवैसी का क्या मामला है। अरे मैं तुमको आज की सभा में खड़े होकर कह रहा हूँ, बताओ अखिलेश और कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी कौन से खानका की सेठ के मुरीद है, बताओ। अखिलेश यादव और राहुल गांधी कौन से खानका के सेठ के मुरीद है, और वो जो बसपा की मैडम है वो कौन सी पिरानी माँ है। यादव को अगर तुम बोलना शुरू करेंगे तुम्हारी जबान बहुत लंबी है, बहुत खोल देंगे, पूरा शीतला खोल देंगे तुम्हारा। अगर तुम बात करते हो तसव्वुफ की तो सुनो, तसव्वुफ के माने जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ने बताए थे कि तसव्वुफ वो है, सूफी वो है जो दुनिया में अल्लाह, जो दुनिया में मर चुका और अल्लाह के लिए जिंदा था। वो सबक हमने खानका से सीखा, अब हमको सबक सिखाएंगे, आप बताएंगे हमको, तो बताओ फिर तुम जिस पार्टी की तारीफ कर रहे हो कौन सी खानका का शेर है। डॉक्टर मन्नान है, डॉक्टर है, इंसान है, तड़प बचता है आपके लिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गो, ये बात को आपको समझना है। और हम यहाँ के साबिका विधायक अनवर हाशमी साहब के लिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको सेहत दे और उनकी मसायब और मुश्किलात से अल्लाह उनको राहत दे। वो हमारे पार्टी के नहीं है, मगर हम कैसे नाम भूल जाए। यही तो ओवैसी की लड़ाई है, यही तो हमारी सोच है, यही तो हम, इसलिए हमको मतदान किया जाता है, जाते। मेरे भाई औरंगाबाद में एमपी की सीट इम्तियाज चली गई, बोलते ये लोग क्या बोलते, ओवैसी आएगा तो बीजेपी भाजपा जीत जाइए, भाग कहां भी बोले। औरंगाबाद में ये 20 साल का शिवसेना का एमपी था, कितने साल का था वो, तो शिवसेना से गुजरा है, उसका एमपी को इम्तियाज जलील खड़ा हुआ और औरंगाबाद की जनता को सलाम कि उन्होंने 21 साल के शिवसेना और भाजपा मिलकर लड़ रही थी 21 साल से, उसके एमपी को औरंगाबाद की जनता ने इम्तियाज जलील को अपना सांसद बनाया। कांग्रेस करी कुछ, महाराष्ट्र की सत्ता करी कुछ नहीं करी, इनको दर्द यही है कि ये बड़े बड़े किलों को तोड़ कर आगे कर रहा है, बड़े बड़ों को नीचा कर रहा है। मैं मजलूमों को कहना चाहता हूं, मैं बड़ों की फिक्र नहीं करता आया, मेरी आंखों में, मेरी आंखों में कमजोर जो कमजोर है मेरी आंखों में मजबूत। अब बोलते चाहिए और उन्हीं का कर्म होगा, उन्हीं की सिफात हो गई तो हम कामयाब होंगे सर के मैदान में। इस हमको सिखाएंगे आप, सारी दुनिया हमसे नफरत करती है, हमको ही सिखाएंगे। मजलिस का एक एक फर्ज, मजलिस का एक एक रुकन आशिक़े रसूल भी है और गुलामान मुस्तफा की आल का गुलाम है। और अगर तुम इस पर बहस करना चाह रहे तुम नहीं बैठ पाओगे 10 मिनट के हमारे सामने, तो हम तुमसे पूछेंगे कि तुम जिस पार्टी की तारीफ कर रहे हो उसका नेता कौन सी खानका का शेर है, हम तुमको बताएंगे हमारा शेर कौन है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गो, क्या कहा था इकबाल ने इसके बारे में, इसके विद्राम से नखमे तारे हयात, इससे नूर हयात, इससे नारे हयात। और क्या कहा था अखबार ने कि बुझी इसकी आग तो अंधेर है, बुझी इसकी आग तो अंधेर है, मुसलमान नहीं खास अंधेर है।
हम तो इसकी बात करते और यह तमाम सत्ता बसपा कांग्रेस के लिए हम तो कहते हैं कि हम इनकी मैदान ये पूरे हमारे पीछे पड़े रहते दिन भर रात भर रात में भी इनको हाथों में नजर नहीं आती। इसीलिए हमारी गाड़ी पर गोलियां चलाई गई, चार चार गोली हमारी गाड़ी पे चलाई गई। तो हमको एक सप्पा वाले ने फोन करके कहा कि आपकी गाड़ी पे नीचे लगी गोली। मैंने कहा बेटा एक काम करना, तुम्हारे भैया को बुलाना, गाड़ी में बिठाते और चार राउंड नीचे मारते, अगर वो पेशाब ना कर दे तो हमको। हमारी गाड़ी पर चार गोलियां चली। आज के दौर से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तो फैल गए, अहले बैत के सदके तो फैल गए, अहले दिल की दुआओं की वजह से अल्लाह ने उनको महफूज रखा। और हम 24 घंटे के अंदर पार्लियामेंट में जाकर तकरीर लिखिए, अगर किसी की गोली पर गाड़ी पर तो बच्चा फंस जाते वो घर से नहीं निकलता चार चार दिन। हम तो कहेंगे हमको सिक्योरिटी नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए, हम जनता के दरमियान में रहेंगे। अमित शाह ने कहा जेट कैटेगरी ले लो ओबीसी की, हमने कहा जेट कैटेगरी सिक्योरिटी नहीं चाहिए, हमको ए कैटेगरी का शहरी बनाओ, हमको बराबर लाओ, सबके बराबर करो। ये लड़ाई मजलिस से जहां तो मुस्लिम की है। और आपके विधानसभा में एक हमने कहा अमरुख के कजा के लिए एक रुपए कजान के लिए तुम जारी रखते हैं। आपको त्रला विधानसभा में रेलवे लाइन है नहीं है? रेलवे लाइन नहीं है? नहीं है। हम जिम्मेदार है, डॉक्टर मन्नान जिम्मेदार है। डॉक्टर मन्नान ने कहा कि रेलवे लाइन मत डालो, ये डबल इंजन की सरकार मोदी योगी की भूली गई त्रला को। और यहाँ का बीजेपी का विधायक रेल की लाइन नहीं डाला मगर बोल रहा है डबल इंजन डबल इंजन डबल इंजन। अरे आएगा डबल इंजन बताओ, तुमने पूरे उत्तराखंड में रेलवे की लाइन नहीं डाली डबल इंजन डबल इंजन। और फिर बोलते मुख्यमंत्री बोलते मैं मई जून में बर्फ डालूंगा। मुख्यमंत्री जी मई जून में बर्फ मत डालो, उस कोरोना में तुमने कितने शिक्षा के स्कूल खोले बताओ। तुम जनवरी में गर्मी की बात मत करो, तुम बताओ कितने कोरोना में अस्पताल है? कुछ भी नहीं है, नहीं है। कितने लोग नहीं आप बता रहे बताओ। अब इसका इलाज करेंगे, इसका इलाज कैसे करेंगे? इलाज डॉक्टर ही करेगा ना, योगी तो नहीं करेगा, अखिलेश तो नहीं करेगा, वो राहुल तो भाग के वहां चला गया वो भी नहीं करेगा, तो कौन करेगा? डॉक्टर मन्ना ही करेगा इंशाअल्लाह। तो हम आपसे ही बताने आए कि डॉक्टर मन्नान साहब को, डॉक्टर मन्नान साहब का निशान पतंग का है, पतंग के निशान पर बटन दबाइए और डॉक्टर मन्नान को अपने वोटों से कामयाब करिए, नेता बनाइए। नेता बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग, हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बाबू सिंह कुशवाहा को मुख्यमंत्री बनाने की लड़ाई लड़ रहा है। हमने तय किया कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता और टोला की जनता आप यहाँ से मजलिस को और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को कामयाब करेगी तो हो सकता है कि 3 डिप्टी CM बनाए जाएंगे, अल्पसंख्यक समाज का मुसलमान, एक निषाद समाज से और एक अति पिछड़ा समाज से। अगर डॉक्टर मन्नान यहाँ से विधायक बनेगा और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को सत्ता मिलेगी तो विधायक के साथ डिप्टी CM भी बनेगा इंशाअल्लाह। हम कह रहे हैं आपसे, मगर आपको फैसला लेना है, आपको बहादुरी से फैसला लेना है। आकर बोलेंगे अब बीजेपी आएगा, बीजेपी आएगी। अरे भाई तुमने बीजेपी 2019 में आपने बीजेपी वोट दिया था पार्लियामेंट में, कितने ले दिया था? अब हम भी जिम्मेदार है उसको। ये आकर बोलते हैं शैतान के साथ खाने में कुछ कुछ करता है ना। अब हमारे जाने के बाद 19 के बाद बहुत बोलेगी, अरे देखो बीजेपी बीजेपी
अगर बीजेपी का वजीफा तू इसका क्यों पढ़ता तू समझ नहीं यार। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों आपसे मतवाली गुजारिश कर रहे हैं कि आप इनकी बातों में मत आइए। 5 साल के लिए हमको मौका दीजिए, सिर्फ 5 साल के लिए हमको मौका दीजिए। उज्ज्वला में हम ऐसा विकास ऐसी तब्दीली आएंगे इंशाअल्लाह ताला कि आप भी कहेंगे कि हमारे फैसले पर आपने जो फैसला लिया वो इसी और उसकी पार्टी ने कोई संविदा नहीं किया। तो आपसे गुजारिश करने आए हैं कि आप 3 मार्च के दिन पूरे जमात के साथ निकलिए और हम आपसे वादा कर रहे हैं ये मोदी चुट्टा सांड का आवारा पशुओं का मसला नहीं कर सकेंगे। मोदी और योगी नहीं कर पाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों बहुत से मसाइल है आपकी विधानसभा में तकालीफ है। हम आपसे सिर्फ यही इंतजार करने आए हैं कि 3 मार्च को आप डॉक्टर मनोहर वोट देकर कामयाब करिए और आपसे अपील कर रहे हैं कि आप डरिए मत, डरिए मत। आप डरेंगे, डरेंगे आपको ऐसा ही बोल रहे हैं, पूरे जमात के साथ बोल रहे हैं डरिए मत। अब हमारे भाषण के बाद क्या बोलेंगे मालूम आपको? अरे उधर का उधर बीजेपी में जा रहा है, फिर जब मतदान का दिन आएगा अफवाह फैलाएंगे। ये पुलिस की औलाद है ना, ये लोग कुछ कुछ करते हैं। तो जब आगे में बोलेगा तो बोलना अरे वो स्काउट कहां जाता जा रहे थे मेरा और तो डॉक्टर मनान के लिए। और जब दर्द कभी दिल में पैदा होगा तो उस कर्नाटका की बच्ची है हम तमाम को जिंदगी का हौसला और अजम सिखाया कि जब शैतान वसवसे पैदा करता है तो बच्ची ने कहा कि जब मुझे पलवारियों ने घेर लिया था तो मुझे डर लगा तो मैंने नारा लगाया। क्या नारा लगाया था उसने? धूल से लगाओ, धूल से लगाओ, धूल से लगाओ, धूल से लगाओ। अब भाग गए बोलेगा ये तो अजीब बात कर दिया, मगर मेरा ये भड़का भाषण जो आज का हुआ है आपसे विनती करते हैं इसको नौजवानों से खासतौर से जरा इसको फैलाओ व्हाट्सएप पर। वो फेसबुक भी है, फसाद बुक भी है, फैलाओ इंस्टाग्राम भी है, सब पे फैलाओ ताकि उपरवा की जनता को मालूम हो जाए। एक दीवाना आया था जो हमारी दिल की बात किया, जो हमारी हमारी नहीं हुई नहीं क्या शुभ नाम हुआ मेरा पंडित ईश्वर साहब शुक्ला शुक्ला साहब कौन हुआ हमारे पिताजी। अच्छा हुआ अच्छा इंटर ये तो तुम लोग पूरे बैंक कनाकर हो। हाँ